डेली करंट अफेयर में आज मैं आपसे बात करूंगा 19 जुलाई की करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और अगर डेली ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको डेली ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली इंडिया जीके या टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्विज बिल्कुल फ्री में देखने को मिलती है। अगर वो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करता हूँ कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था, जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत टैक्स को मंजूरी दी गई है। आपके पास ऑप्शन है 25%, 28%, 15%, 20%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर आपके 28% की छूट प्रतिशत टैक्स को मंजूरी दी गई है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डेली करंट अफेयर में लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करता हूं आज की करंट अफेयर, 19 जुलाई की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 7वें भारतीय कौन बने हैं। आपके पास ऑप्शन है ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17वें भारतीय, सॉरी। तो हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बने हैं यशस्वी जायसवाल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और यशस्वी जायसवाल भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर डेब्यू मैच में 150 प्लस का स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब किया गया, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। आपके पास ऑप्शन है के शिवन, एस सोमनाथ, पी वीर मुथुवेल या सी वेणुगोपाल। ध्यान रखें अधिकांश इसका आंसर एस सोमनाथ लिख लेते हैं, क्योंकि वो इसरो के अध्यक्ष हैं। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो नहीं होते जो इसरो के अध्यक्ष हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अलग किसी को बनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रयान मिशन 3 है वो लॉन्च किया गया हाल ही में, इसमें मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल थे। एस सोमनाथ आपके वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, इनसे पहले आपके थे के शिवन। यानी कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे, के शिवन। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आलोक शर्मा, देवेश उत्तम, दीपा सोलंकी, संजीव नार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। नेपाल, जापान, जर्मनी, मलेशिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह डेली ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। हाल ही में मुकुर्ति राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, ये कौन से राज्य में है। हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में मुकुर्ति राष्ट्रीय उद्यान है वो चर्चा में रहा, ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है। हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उड़ीसा राज्य ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। 18 जुलाई, 20 जुलाई, 15 जुलाई, 21 जुलाई। तो आपके प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है ये 20 जुलाई को मनाया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कोर्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया। एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। पी वासुदेवन, उर्जित पटेल, सौरभ गर्ग, राजीव कुमार। तो आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर पी वासुदेवन को
नियुक्त किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 केजी कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? सतीश शिवलिंगम, जेरेमी लालरिनुंगा, शुभम टोडकर या अचिंता शेउली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है शुभम टोडकर ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करता हूँ आज के क्वेश्चन की, जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, हाल में SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है सौरभ गर्ग, अवनी चतुर्वेदी, अभिजीत चक्रवर्ती, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।